मैं ऐसे विषय को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था जिस विषय के बारे में आज तक आप लोगों भी नहीं सुना होगा कि इस जिले के अधिकारी सपा प्रत्याशियों को जनसभा की अनुमति देते हैं कि जनसभा की अनुमति दी जाती है 144 धारा के कड़े अनुपालन के शर्तों के साथ। उस विद्वान अधिकारी से मैं जानने की कोशिश कर रहा था, फ़ोन किया, उस विद्वान अधिकारी ने उठाया नहीं कि 144 धारा में जनसभा कैसे होती है, वो तकनीकी हमें भी बता दे। अगर उनके हिसाब से वो तकनीकी भाजपा ज्वाइन करना है, भाजपा के सामने समर्पण करना है, तो हम लोग समाजवादी है, होगा नहीं। कल हमारे प्रत्याशी के ऊपर, कोपागंज प्रत्याशी के ऊपर रोड शो के में उमड़े जनसैलाब को देकर 1000 लोगों के ऊपर FIR हुआ है। कभी आपने सुना था कि 1000 लोगों के ऊपर FIR हो? और आचार संहिता लागू होने के दूसरे दिन ही उसी 144 धारा में जनपद में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, भाजपा नेता का स्वागत समारोह हुआ था, तब वो नियम कहाँ थे? और आज निरहुआ का रोड शो है। मैं अधिकारियों से बताना चाहता हूँ कि आपसे तो न्याय की उम्मीद कम है क्योंकि आप दबाव में काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना हुआ है, लेकिन न्यायपालिका एक ऐसा दरवाज़ा है कि सबूतों के साथ हम न्यायपालिका जाएंगे। और चुनाव आयोग में भी आज हमारी पार्टी प्रदेश स्तर पर उठाएगी कि इस तरह का लेटर का जवाब तो जरूर मांगा जाएगा, और सवाल विधानसभा और दिल्ली के सदन में भी होगा। तो क्या लगता है कि स्पेशल टारगेट किया जा रहा समाजवादी पार्टी को? ये उनका हताशा निराशा, जिस जिले में नगर पालिका के चुनाव में मुख्यमंत्री तक आ चुके हों, तमाम बड़े मंत्री और पदाधिकारी यहाँ कैंप डाले हुए हों, वहाँ इतना डर, इतना खौफ है कि आप खौफ में खौफ जदा होकर इस तरह की कहराना हरकत करवा रहे हैं कि 1000 गरीबों के ऊपर आप केस करवा रहे हैं, उसका दुष्परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। जनता जरूर जवाब देगी लोकतंत्र में। जहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री यानी अखिलेश यादव साहब को भी तो आना चाहिए था अपने प्रत्याशियों के लिए, क्या वजह है कि नहीं आ? समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ जाना है जा रहे हैं, मऊ के हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया कि हम जनता के आशीर्वाद से हमारे कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है और हम आपको जीत कर सीट देंगे। जो हार के डर से खौफ में बैठे हुए हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि नगर पालिका के चुनाव में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी लोग यहाँ कैंप किए हुए हैं, तो जनता देख रही है, डर है ना उनका, उनको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं, वहाँ यहाँ की जनता पर भरोसा नहीं। तो पहले तो सरकारी जलसे का आयोजन किए, प्रलोभन दिए, तब भी बात बनते हुए नहीं दिख रही है, तो अब धमका रहे हैं, केस करवा रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आपको मैं सालों से देख रहा हूँ, आपने कभी ऐसा जनसभा का अनुमति देखा था क्या जिसमें धारा 144 के अनुपालन के साथ अनुमति दी जाए? आप ईमानदारी से बताइए, नहीं तो उम्मीद करूँगा कि सवाल उस अधिकारी से आप जरूर पूछेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। और डर गए, जो डर जाता है वो समझवादी नहीं होता है ना, तो हमारे इतिहास में कभी अंग्रेजों से भी डर कर माफ़ी मांगने का इतिहास नहीं रहा है। आज रैली आप लोगों की है, रोड शो है? रोड शो है, होगा, मुकदमा करेंगे, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का मुकदमा लड़ेगी, मैं लड़ूंगा, हम सारे लोग लड़ेंगे। इसमें दारा सिंह चौहान नजर नहीं है पूरे प्रोग्राम में, शुरू से आखिर तक कहीं व्यस्त होंगे, हमेशा व्यस्त रहने वाले जनप्रतिनिधि हैं, जब आएंगे तो पूछ लीजिएगा कि कहाँ व्यस्त है। समाजवादी अक्सर ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है जो इतना व्यस्त रहते हैं? अगर ये पता होता कि ऐसा होगा तो शायद विचार किया गया होता। राजेंद्र कुमार साहब भी नहीं दिखे होंगे, मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं, मुझे लग रहा है अपने क्षेत्र में है, मुझे लग रहा है उस क्षेत्र में है, अब वो उनका मोहम्मदाबाद क्षेत्र है तो उधर मुसलमानों का वोट मांगते हुए भाजपा प्रत्याशी भी देखे जा रहे हैं। तो ये विजय राजभर जी से जरूर पूछिएगा कि पार्टी कभी बोलती है कांग्रेस मुक्त करेंगे, कभी बोलते हैं फलाना मुक्त करेंगे, कभी बोलते हैं मुस्लिम मुक्त करेंगे। देश की जनता, और कर्नाटक के चुनाव से शुरुआत हो गया है कि देश के शासन को, मैं लोकतंत्र में ये तो नहीं कहूँगा कि इस पार्टी से मुक्त कराना है या उस नेता से मुक्त कराना है, देश के शासन को ऐसे भ्रष्ट सरकार से मुक्ति जरूर मिल जाएगी।